आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जो बिहार सरकार 2-2 लाख रुपए देने का वादा कर रही है, पर उसे लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब बस एक वादा ही रह जाएगा, ना ही देना है ना ही लेना है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके पास है, आपके पास स्रोत हैं तो आप दीजिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना है कि यहाँ बिहार में रोजगार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। जब लोग शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, रोजगार होगा तो उन्हें आपकी पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। ये राजा प्रथा बंद करना होगा कि आपको जब ज़रूरत होगा तब हमारे पास आइए और हमसे सुविधा लीजिए। तो देखिए प्रशांत किशोर को बिहार सरकार के ऊपर किस तरह तंग कस रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कही, घोषणा हुई है कुछ पैसे ट्रांसफर करने की, पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। अगर सरकार के पास साधन है तो करना चाहिए। लेकिन बिहार में 3.25 करोड़ परिवार रहते हैं और आर्थिक सामाजिक नजरिए से बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर 80% लोग, 100 में 80 आदमी आज भी दिन का 100 रुपया नहीं कमाता है। यह आंकड़ा याद रखिए। बिहार में प्रति व्यक्ति आए है 34-35 हजार रुपया, देश में प्रति व्यक्ति आए है 1,35,000 रुपया। तो अगर आप कह रहे हैं कि उसमें से जो सबसे गरीब है उसको हम मदद कर रहे हैं तो कीजिए मदद, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सरकार के पास अगर साधन है और ईमानदारी से अगर उन लोगों की कुछ मदद होती है तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरह के रेबड़ी बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप समाज को पढ़ाएंगे नहीं, शिक्षित नहीं बनाएंगे, उसको रोजगार नहीं देंगे, तो ये राजा प्रजा वाली जो व्यवस्था है कि हम आपको, जब आप मजबूत गरीबी में पड़िएगा, जब परेशानी में पड़िएगा तो आइएगा तो हम आपको कुछ मदद कर देंगे, तो राजद वगैरह के नेताओं का, दलों का यही मॉडल है। अस्पताल सुधारना नहीं है, अस्पताल का औचक निरीक्षण करना है। अरे भाई, अस्पताल सुधारोगे, उसके लिए कोई व्यवस्था बनाओगे तब तो औचक, तब तो निरीक्षण होना चाहिए। लेकिन इनको तो न्यूज बनाना है, राजनीति करनी है। 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति देने से, प्रति परिवार अगर ये दे पाए तो बहुत अच्छी बात है। न इनको देना है न कुछ करना है। ये चुनाव अभी साथ सामने है तो अपना एक लॉलीपॉप बांटने का तरीका है। अभी तक कह रहे थे कि आरक्षण देके सुधार देंगे, अब 2 लाख रुपया देके सुधार देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर 2 लाख रुपये को 3 किस्त में देने की बात है तो 65,000 रुपया हुआ महीने का, 5,000 रुपया हुआ। 5,000 रुपया मिलने से किस परिवार का गरीबी दूर हो जाएगी, जरा बताइए तो हमको। आज से 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक योजना जारी की थी जिसमें कहा था कि हर परिवार को 6,000 रुपया महीने का मिलेगा। कोई वोट मिला उससे? एक भी वोट मिला कांग्रेस को उससे? जनता इतना बेवकूफ है? 2 लाख रुपया अगर आप प्रति परिवार देते हैं तो प्रति परिवार वो 5,000 रुपया महीना, अगर आप 3 किस्त में देंगे तो, और परिवार का साइज है 5-6 लोगों का, तो हर व्यक्ति पर कितना हुआ? हर व्यक्ति पर 1,000 रुपया हुआ। वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं 400 रुपया है और आप प्रति परिवार 1,000 रुपया देने लगी है, तो झूठ मूठ का लॉलीपॉप। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले।